evolution of living organisms, characteristics and habitat. Now students, today we discuss the फर्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स का काफ़ी डिमांड था कि सर एक्सरसाइज सॉल्यूशन का डिस्कशन कर दीजिए, तो मैंने भी सोचा कि चलो आज थोड़ा डिस्कशन कर ही लिया जाए. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैबिटेट क्या होता है. डिस्कशन से थोड़ा पहले कुछ बात बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे प्रेजेंट रहते हैं लाइव क्लासेस के दौरान, वह पहले क्लास में कंसंट्रेट करें, उसके बाद लास्ट में अपना रोल नंबर और क्लास लिख दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सबसे पहले आप क्लास को वॉच करिए पूरे कंसंट्रेट के साथ, जो प्रॉब्लम है उसी समय पूछ लीजिए, मैं वहाँ पे रहता हूँ, ठीक है. तो नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है. हैबिटेट का डिफिनेशन लिखना है आपको. द सराउंडिंग्स वेयर, मैंने आपको बताया था हैबिटेट मतलब होता है ड्वेलिंग होम, जहाँ पर रहने का जगह होता है. हमारा रहने का जगह हमारा घर है, तो हमारे लिए हैबिटेट है. एनिमल्स के लिए भी क्या है, हैबिटेट होता है जहाँ वो रहते हैं. तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे, द सराउंडिंग्स वेयर एनिमल्स लाइव, द सराउंडिंग्स वेयर एनिमल लाइव इज कॉल्ड हैबिटेट. द सराउंडिंग्स The surrounding where animals live is called habitat. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, habitat बोलते हैं. The organisms, जो भी dog है, cat है, birds हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, उनके अलग अलग हैबिटेट हैं. तो किस पे डिपेंड रहते हैं, अपने फूड्स पे, वाटर, एयर, सेल्टर. फूड्स, एयर, वाटर, सेल्टर, चारों चीज़ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए नेसेसरी है. तो डिपेंड रहते हैं उनके हैबिटेट. जो घर है, हमारा घर है, हमारे घर में जब हम रहते हैं तो हमें और क्या क्या चाहिए, केवल रहने से तो नहीं होता है, हमें खाना भी चाहिए, रहना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए जो हमारी फैसिलिटी, जो हमारी नीड को पूरा करता है. तो इसमें एक और लाइन लिखेंगे, द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर, the organisms depend on their, किस पे डिपेंड रहते हैं, एक एक करके लिखेंगे, depend on their habitat. habitat पे डिपेंड रहते हैं, for their food, for their food, water, सेल्टर एंड एक्सेट्रा लिख दीजिए, है ना. उनके जो नीड्स है उस पर क्या होता है, डिपेंड रहते हैं. हैबिटेट मीन्स, लास्ट में लिख लेंगे वर्ड वही जो हम लोग लिखे थे पहले, हैबिटेट मीन्स, हैबिटेट मीन्स ड्वेलिंग होम. ये आपका हो गया फुल आंसर क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज हैबिटेट. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू को हम डिस्कस करेंगे, फटाफट देखते चलेंगे. हाउ आर कैक्टस एडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट. डेजर्ट मतलब वहां कुछ भी नहीं है, रेगिस्तान है, वहां पे कुछ भी नहीं है सिवाय सैंड, कैक्टस और कैमल. ये आपके कॉमन वहाँ पे पाए जाते हैं. वहाँ पे रेत है तो वहाँ पे कैमल भी प्रेजेंट रहे, कैमल प्रेजेंट, और कैक्टस. कैक्टस का फिगर भी आप देख सकते हैं, कैक्टस प्लांट का फिगर आप देख सकते हैं, तो आपको और भी याद आ जाएगा. नाउ वी डिस्कस द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू. कैक्टस आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट. क्या उसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं, क्या उसमें ऐसे मेरिट्स पाए जाते हैं जिससे कैक्टस आसानी से इतनी तेज धूप, विदाउट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, बिना पानी के बहुत दिनों तक आराम से रह पाता है, ठीक है. तो हम इस पर डिस्कस करेंगे. नो लीव्स और स्पाइनी लीव्स टू प्रेजेंट वाटर लॉस, ठीक है. नो लीव्स कैक्टस में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बिकॉज they have
बिकॉज दे हैव नो लीव्स, बिकॉज दे हैव नो लीव्स और स्पाइनी, और क्या प्रेजेंट रहता, लीव्स नहीं रहता, स्पाइनी लीव्स, स्पाइनी लीव्स टू, जो लीव्स होते हैं उससे क्या कहते हैं, प्रिवेंट वाटर, टू प्रिवेंट वाटर, टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। थ्रू ट्रांसपिरेशन है ना, तो ट्रांसपिरेशन मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पोर्स ऑफ लीव्स, जो लीव्स होते हैं ऐसे हम एक रफ फिगर देखेंगे, मान लो एक लीव्स है, लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे स्किन में भी पोर्स होते हैं ना, तो ये हमारे यहाँ क्या है, एक पोर्स पाए जाते हैं, और जिससे क्या होता है, वाटर वाटर लॉस होता है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इसी को बोला जाता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पोर्स ऑफ लीव्स, फ्रॉम द पोर्स ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो कैक्टस के जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, आप देखे होंगे इमेज में, तो आपको पता चला होगा कि उसमें लीव्स नहीं होते हैं, तो लीव्स नहीं होता तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, मतलब वाटर का लॉस नहीं होगा। स्टेम इज मॉडिफाइड, स्टेम जो उसके होते हैं इस तरह से मॉडिफाई रहता है कि परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो आप लिख सकते हैं स्टेम प्रोवाइड एयर पॉइंट बी, यहां पे हमने ए दे दिया है, स्टेम परफॉर्म, स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, स्टेम क्या करता है, परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस एंड कंजर्व, एंड कंजर्व क्या कंजर्व करेगा, वाटर, एंड कंजर्व वाटर, ठीक है। तो हमने कैक्टस में देयर रूट्स, जो कैक्टस के जो रूट्स होते हैं वो काफी डीप जाता है सॉइल्स में फॉर ऑब्जर्विंग वाटर, देयर रूट्स गो वेरी डीप वेरी डीप, किसके लिए जाएगा अंदर बताइए, खाने के लिए तो नहीं जाएगा ना रूट्स, किसके लिए जाएगा, इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पॉइंट आप लिख लोगे। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर, डिस्कस करेंगे द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, पहला आपका दिया है क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री का ए है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच इनेबल्स अ प्लांट और एनिमल्स टू लाइव इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट। मैंने आपको एडेप्टेशन पढ़ाया था डिफिनेशन, कि आप अभी क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, धीरे धीरे आपने अडेप्ट किया है इसको, पहले आपकी आदत नहीं थी, अब आदत हो गई है, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो हम लोग इसको क्या होगा, इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री का ये आंसर, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन। नाउ थ्री का बी देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर थ्री एंड बी इज The habitat of the plants, the habitat of the plants and animals that live on land. जो plants और animals जो land पर रह रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, जो land पर रह रहे हैं उसको बोलेंगे terrestrial habitat। मैंने आपको बताया था terrestrial habitat। Terrestrial habitat. Now we discuss the C number. सी नंबर क्या कहता है, सी नंबर ये नहीं बोलता कि क्लास छोड़ के जाओ, सी नंबर ये बोलता है क्लास को देखो तब समझोगे, बस बने रहो। तो सी हम लोग पढ़ेंगे द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट लाइव इन वाटर, अभी तक तो पढ़ा लैंड पे, अब पढ़ेंगे वाटर में, वाटर में रहने वालों को क्या बोलता, मैंने आपको बताया था एक्वाटिक हैबिटेट, एक्वा मीन्स वाटर,
और वाटर में रहने वाले को एक्वेटिक हैबिटेट, हैबिटेट मतलब बताया फर्स्ट क्वेश्चन ड्वेलिंग होम, जहाँ वो रहते हैं उनके घर है वो, जो पानी में रहते हैं तो एक्वेटिक हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर एक्वेटिक हैबिटेट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का सी, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी, सॉइल वाटर एंड एयर आर दी, डी बोलता है सॉइल वाटर एयर आर द, क्या है ये बताइए, लिविंग है या नॉन लिविंग फैक्टर्स है, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग फैक्टर्स, ठीक है, तो नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द हैबिटेट। अब मैं आपको क्वेश्चन भी लिख दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, है ना। तो ये तो मैंने बताया स्पेसिफिक स्पेसिफिक फीचर्स जो पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन, जो आपके ए नंबर में था टेरेस्ट्रियल था कि जो लैंड पे रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं, जो पानी में रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उसको एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। नाउ डी वन इज सॉइल वाटर एंड एयर, सॉइल भी मरा हुआ है, वाटर भी मरा हुआ है, एयर भी मरा हुआ है, मीन्स नॉन लिविंग है फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट, इट इज राइट, ये राइट का साइन है। नाउ ई नंबर, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू दैम, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स, जो चेंजेस हमारे सराउंडिंग्स में होता है दैट मेक अस रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड किसके तरफ, रिस्पॉन्ड टू दैम, रिस्पॉन्ड टू दैम आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, स्टिमुली बोलेंगे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि जब काऊ बैठा हुआ है, जब काऊ बैठा हुआ है, जब काऊ बैठी हुई है, जब कोई भी एनिमल्स बैठा है, चाहे कोई ह्यूमन बींग्स है, मेस का टाइम होता है, मेस चले जाते हैं, मीन्स इन्वायरमेंट में चेंजिंग हुआ तो हम लोग स्टिमुलस हो के, स्टिमुलस मतलब रिस्पॉन्ड किए इन्वायरमेंट के तरफ। गाय बैठी है, जैसे ही उसको भोजन मिलता है वो दौड़ के आती है, ठीक है, वो अपनी जगह से उठ जाती है, जब डॉग को आप खाना देते हो तो वो दौड़ के आपके पास आता है, मीन्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस, कॉल्ड स्टिमुलस, और कहीं पे स्टिमुलाई भी लिखा होगा, दोनों सही, कहीं स्टिमुलस होगा और कहीं पे स्टिमुलाई भी होगा, तो दोनों क्या आपके सही हैं। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर फोर, फोर क्वेश्चन नंबर क्या है बताइए, क्वेश्चन नंबर फोर इज विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग, वेरी इजी है कि कौन से लिविंग है कौन से नॉन लिविंग है, ये तो आपको पता होगा। लिविंग में हम लोग बायोटिक भी बोलते हैं लिविंग थिंग्स को, लिविंग थिंग्स को क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं, लिविंग थिंग्स और बायोटिक कंपोनेंट, ये दोनों क्या है आपके सेम मीनिंग है, और नॉन लिविंग को हम लोग एबायोटिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे लिविंग थिंग्स इसमें से क्या क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या है। तो पहले हम लोग नॉन लिविंग की बात कर लें, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है तो इसमें बोला है नॉन लिविंग बताने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे नॉन लिविंग और यहाँ पे कर लेंगे ए बायोटिक, ठीक है, ए बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, इसको स्मॉल बी कर लेंगे, ये हो गया आपका स्मॉल बी, ठीक है, ये हो गया आपका स्मॉल बी, डेट इज़ ए बायोटिक कंपोनेंट के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। नाउ आपका ए बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है, प्लग है, प्लग तो आप जानते हो जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे PLOUGH, प्लग आपका पहला नॉन लिविंग है, उसके बाद आपका स्विंग मशीन, मशीन सिलने वाला जो टेलर्स यूज़ करते हैं जो आपके घर में है वो भी क्या आपका नॉन लिविंग ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्विंग मशीन,
उसके बाद आप नेक्स्ट फॉलो करोगे तो आ जाओगे आप रेडियो के ऊपर, रेडियो जिसे पुराने समय में, अभी तो कम यूज़ होता है, न्यूज़ सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। रेडियो एफएम का भी नाम आपने सुना होगा, तो वो क्या जिंदा है? नहीं, मरा हुआ है ना। तो लिखेंगे रेडियो, रेडियो, उसके बाद बोट, नाव पे आप जाते हो, वाटर में जो चलता है बोट वो क्या हमारा नॉन लिविंग है, तो बोट भी लिख देंगे नॉन लिविंग में। उसके बाद वाटर, ये सब क्या है हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। लास्ट है हमारा वाटर, ठीक है, लास्ट है हमारा वाटर। तो ये जितने भी आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जिसको हम लोग ए बायोटिक भी बोलते हैं। अगर कहीं पे आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए बायोटिक कंपोनेंट, तो आप बोलना नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड ए बायोटिक कंपोनेंट। पूछा जाए बायोटिक कंपोनेंट क्या है, तो बोलना लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो आज आपने ने दो नया डिफिनेशन भी सीखा। आपको ये डिफिनेशन के जो टर्म है सेम आपको क्लास 7th में मिलेंगे। आपसे पूछा गया था नॉन लिविंग के बारे में, तो हम लोग लिविंग कंपोनेंट्स के भी उसमें से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे मशरूम है आपका, मशरूम, मशरूम जो है आपका क्या है, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो क्या आपका लिविंग्स है। ठीक है, तो हम लोग लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 4, लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट में मशरूम है आपका, उसके बाद अगर आप उसमें क्वेश्चन में आप देखते जाओगे तो आपको लास्ट में मिलेगा हाइकेंट, ये हाइकेंट जो है आपका प्लांट्स होता है जो वाटर बॉडीज में होते हैं, जो आप वाटर में देखोगे वाटर हाइकेंट, तो ये भी आपका क्या है लिविंग कंपोनेंट्स है ना। वाटर हाइकेंट का आप इमेज भी देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस द अदर इन दिस क्वेश्चन, दैट इज अर्थवार्म। अर्थवार्म आपका क्या है, लिविंग कंपोनेंट है, ये तो आपको पता होगा, लिविंग कंपोनेंट है। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन लिविंग थिंग्स के हमको एग्जाम्पल बताने हैं जिनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिविंग थिंग्स से मैच करता हो। ठीक है, मतलब ऐसे दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग थिंग्स में भी पाया जाता है। तो हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्लाउड का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें लिखेंगे ग्रोज इन साइज। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे, तो आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हो अगर आपको कोई एग्जाम्पल्स आता हो। तो हमने तो पहला लिखा है एग्जाम्पल क्लाउड का, जो ग्रो करता है साइज में और इट शोज मूवमेंट। ठीक है, और मूवमेंट भी शो करता है। आप देखे होंगे जब बारिश होने वाला रहता है तो उस समय क्लाउड का जो फॉर्मेशन होता है, और जब हवा तेज होती है तो क्लाउड मूवमेंट करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है ना, और क्लाउड ग्रो भी करता है साइज में। जब आप देखोगे बारिश होने का जब मौसम रहता है तो धीरे 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 काले बादल क्या होते हैं, फैल जाते हैं। तो ये क्या क्या, क्लाउड ग्रो इन साइज। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग क्लाउड का एग्जाम्पल लिए, तो ये आपका क्या है नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल जिसके दो करेक्टर्स, जिनके दो करेक्टर्स लिविंग थिंग्स से मैच करते हैं। तो लिविंग थिंग्स भी क्या होता है, ग्रो करता है साइज में, चाहे कोई भी ह्यूमन बींग्स है। मैं भी बड़ा होता हूँ, हो चुका हूँ, छोटा था पहले बड़ा हो गया हूँ, आप अभी छोटे हो आप भी बड़े हो गए, प्लांट्स छोटा है वो भी बड़ा होगा, तो धीरे धीरे क्या होता है वो भी साइज ग्रो होता है, मूवमेंट्स होता है, हम भी चलते हैं आप भी चलते हो। ठीक है, आप बोलोगे सर प्लांट्स तो नहीं चलता है, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फूड का ट्रांसफर होता है। ठीक है, प्लांट्स छोटा से बड़ा होता है। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 6।
सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक, फिर हमें नॉन लिविंग थिंग्स इसमें से फाइंड आउट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लिविंग थिंग्स वेयर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिविंग थिंग्स से निकाला गया है, ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला आपका दिया है बटर, ऑप्शंस दिए हैं आपके, जो आपके सारे ऑप्शंस में से जो लिविंग थिंग्स वाले हैं, जो कहीं ना कहीं से लिविंग थिंग से प्रोडक्ट से निकाला गया है, जैसे आपका बटर है तो आपको पता है बटर मिल्क से निकाला जाता है, अब मिल्क काउ से आता है, तो भी क्या काउ क्या लिविंग थिंग्स है, तो आप पहला ऑप्शन लिखोगे बटर इज लिविंग थिंग्स वाले में, तो आपका आंसर हो जाएगा बटर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है आपका लेदर, लेदर जो एनिमल्स के द्वारा रिमूव करके बनाया जाता है स्किन्स के द्वारा, और ये आपका क्या हो गया, एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हो गए, तो आप लेदर लिखोगे सेकेंड ऑप्शन। तीसरा आपका आता है वूल, वूल भी एनिमल्स के स्किन्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे गोट्स हो गए, याक हो गया, तो ये सब के स्किन के यूज़ के द्वारा वूल तैयार किया जाता है, तो वूल आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल। प्लांट के सीड के द्वारा यूज करके ऑयल को निकाला जाता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल आप खाते हो, तो मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों मतलब सरसों के प्लांट से निकाला गया है, अब प्लांट्स क्या लिविंग थिंग्स है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल हो जाएगा। नाउ बने रहिएगा, देखते रहिएगा आप, नेक्स्ट वन इज डिस्कस द अदर आंसर दैट इज रबर, लास्ट में आपका क्या है, रबर, रबर क्या, रबर प्लांट से निकाला जाता है, ठीक है, तो ये आपका रबर भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दी क्या है, आर दी, ये सब क्या है, ये सब क्या है बताइए, नॉन लिविंग थिंग्स है, आर दी नॉन लिविंग थिंग्स बट वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, आर दी, आर दी नॉन लिविंग थिंग्स, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं बट विच वेयर वंस, विच वेयर वंस अ पार्ट ऑफ, विच वेयर वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, विच वेयर वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, लेकिन कभी ना कभी ये किसके पार्ट थे, लिविंग थिंग्स के पार्ट थे, क्योंकि लिविंग थिंग्स के द्वारा रिमूव करके निकाला गया, मिल्क आया, लेदर आया, रबड़ आया, सरसों आया, सब के सब लिविंग थिंग्स के द्वारा क्या किया गया, रिमूव करके निकाल के बनाया गया, ठीक है, तो आंसर ही तो यही होगा, क्वेश्चन ही यही पूछा जा रहा है, तो आंसर भी इसी प्रकार से लिखेंगे। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है, क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है कि जाओ मत देखते रहो, तो क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है कि जाओ मत देखते रहो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा रहा है हमको लिविंग थिंग्स का, लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप खुद ही एक एग्जाम्पल हो कि जो आप देख रहे हो, है ना, तो लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल्स हम लोग नहीं देखेंगे बल्कि इसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ए नंबर बताइए, चलिए आप ही स्टार्ट करिए, ए नंबर में बता दीजिए ग्रोथ, हर बार हम लोग पढ़े ग्रो इन साइज, ग्रो इन साइज, ग्रो इन साइज, तो पहले में लिख दिया ग्रोथ। सेकेंड नंबर में लिखेंगे मूवमेंट, मूवमेंट होता है, थोड़ी देर पहले पढ़े हैं तो लिखेंगे क्या, मूवमेंट। सी नंबर में लिख देंगे क्या, रिप्रोडक्शन। डी नंबर बताइए, रिस्पायरेशन। ई नंबर बताइए क्या होना चाहिए, आपके अनुसार होना चाहिए एक्सक्रीशन।
एक्सक्रीशन। अब हम लोग इतना ही लिखेंगे और एक ही चीज़ को समझेंगे। मैंने आपको बताया था जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग, सबके सब ग्रोथ करते हैं। सेकेंड नंबर आपका मूवमेंट, मैं भी चलता हूँ, आप भी चलते हैं, प्लांट्स को छोड़ दीजिए, एनिमल्स चलता है तो वो भी क्या होगा, मूवमेंट होगा। एनिमल्स के केस में मूवमेंट होगा, प्लांट्स के केस में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, वाटर, फूड, सब ट्रांसफर होते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स कैरी करता है सॉइल से, उसके बाद ट्रांसफर हो जाता है पूरे प्लांट्स में। रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करता है, एनिमल्स रिप्रोड्यूस करता है, तो इसमें आ जाएंगे रिप्रोडक्शन। चौथा नंबर दिया आपका रिस्पायरेशन, मैं भी सांस लेता हूँ, आप भी सांस लेते हो, प्लांट्स भी रिस्पायर करता है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, रिस्पायरेशन होगा। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, स्वेटिंग, यूरिन, यूरिया रिमूव फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ एक्सक्रीशन, एनिमल एक्सक्रीट करता है। तो ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बने रहिएगा, समझते रहिए, कोई भी दिक्कत है पूछते रहिए। क्वेश्चन नंबर एट में हम देखेंगे, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड। स्पीड क्यों जरूरी है, कोई भी एनिमल से धीरे दौड़ेगा तो क्या होगा, मार खाएगा ना। अगर डियर दौड़ रहा पीछे से क्या होगा, लायन आके पकड़ लेगा, टाइगर पकड़ लेगा और खा जाएगा। तो स्पीड जो होता है बहुत ज़रूरी है, किस केस में, जब शिकारी आपके पीछे लगा हो शिकार में, तो तेज से भागना चाहिए ताकि आप पकड़ में ना आए, है ना। तो इसके आंसर लिखेंगे हम लोग, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड फॉर एनिमल्स डेट लाइव देयर। ग्रास लैंड जो एनिमल्स रह रहे हैं उनके लिए स्पीड क्यों जरूरी है, इन ग्रास लैंड हैबिटेट देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड। जो ग्रास लैंड होते हैं वहाँ बहुत कम पेड़ होते हैं उनको छुपने के लिए, और शिकारी आसानी से उसका शिकार कर लेता है, इसलिए स्पीड जरूरी है। भागो 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 ताकि कोई पकड़ ही ना पाए। वैन देयर एनिमी मतलब दुश्मन अटैक, दे हैव टू रन फास्टर, जैसे उस पर दुश्मन अटैक करता है वो जोर से भागता है। हैव टू रन फास्टर सो एज टू रीच अ सेफ प्लेस, भागते हैं ताकि वो सुरक्षित जगह को पहुंच सके, सेफ प्लेस में जा सके। इफ दे फॉल, अगर वो गिर जाता है तो दे लूज देयर लाइफ, और जैसे वो गिरेगा तो उसका लाइफ क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सो द स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ग्रासलैंड हैबिटेट। अगर हम एक लाइन में लिख दें तो सिंपली लिख सकते हैं, द स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब जीने के लिए, गाना नहीं गाना है, जीने वाला। और इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ग्रास लैंड और द सर्वाइवल ऑफ ग्रास लैंड एनिमल्स, इतना आप लिख दोगे तो काम हो जाएगा। नाउ आवर एक्सरसाइज सॉल्यूशन इज फिनिश। आप पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चन को पढ़िए, बने रहिए और देखते रहिए, और कोई भी दिक्कत है तो पूछते रहिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।